स्टूडेंट्स, हाँ तो आज हमारा हिंदी का पीरियड है और आप सब मेरा इंतजार करते रहेंगे। हाँ मुझे मालूम है, करते हो ना हिंदी का पीरियड का इंतजार। हाँ तो मेरा नाम है कर्णिका मैडम और आप सब बच्चे अब दूसरी कक्षा में हो, सेकेंड स्टैंडर्ड में हो। हाँ तो इससे पहले हमने वर्णमाला सीखी थी। क्या सीखी थी? वर्णमाला। आपके पास ये बुक है हाँ, जिसका नाम है रोही, यानी कि हिंदी पाठमाला भाग एक। ठीक है, तो इसमें हमने पहले झलकी देखी, उसके बाद कई सारे पिक्चर देखे थे। हाँ बर्थडे देखा था, उसके बाद हमने गेम कहाँ गई, आपने कहानी तैयार की है, वेरी गुड। और उसके बाद हमने वर्णमाला देखी थी। आप आपको वर्णमाला लिखनी आती है मुझे मालूम है। हाँ तो आपके जो पास नोटबुक होगी उस पर आपने इस तरह से वर्णमाला लिखनी पड़ेगी, जिस तरह से आपको यहाँ पे पेज नंबर 9 पे लिखी हुई है ना वर्णमाला, यहाँ पे किस तरह लिखी है अच्छे से, उसी प्रकार आपको आपके नोटबुक में यानी कि कॉपी में इस तरह से वर्णमाला लिखनी है। ठीक है, तो आप हमारी इससे पहले वर्णमाला तो पूरी हो गई है, तो आज हम कुछ नया सीखेंगे। आपको नया सीखने में बहुत मजा आता है ना? हाँ तो आज हम कुछ नया सीखेंगे। तो बच्चों आप पेज नंबर 11 निकालिए, पेज नंबर 11 यानी कि पेज नंबर 11। वेरी गुड। तो हमारा पाठ है पहला, जिसके ऊपर अ लिखा है, जो हमारा पहला स्वर है अ। तो अ मतलब क्या है? तो अ एक वर्ण है, स्वर है, और ये अ से हमें अमात्रिक शब्द सीखने हैं। आज क्या हम सीखने वाले हैं? अमात्रिक शब्द। अ से हम क्या सीखने वाले हैं? अमात्रिक शब्द। ये जो शब्द है वो जरा आपको हार्ड लगेगा, अमात्रिक शब्द ऐसे, लेकिन बहुत आसान है। एक दो बार आप बोलोगे मेरे साथ तो आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो अमात्रिक शब्द। तो अमात्रिक शब्द यानी कि क्या? तो बहुत ही आसान है, इसके लिए मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ जो आपके दिमाग में अच्छे से याद रखेगी। देखिए, अ की मात्रा नहीं होती है अमात्रिक शब्द में। उसको अमात्रिक शब्द क्यों कहते हैं? क्योंकि अ की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यह सभी व्यंजनों में मिला होता है, यानी कि जिस तरह से मम्मी नींबू शरबत बनाती है, आप पीते हैं ना सब, हाँ, तो उसमें शक्कर डली हुई रहती है, उस शरबत में वो मीठा लगता है, उसमें शक्कर डली रहती है, अंतर रहती है, लेकिन आपको दिखाई देती है? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार ये जो अ है वो सभी व्यंजनों में होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, उसके बाद देखो, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, और व्यंजन में स्वर हटाने पर व्यंजन के नीचे हलंत लगा दिया जाता है। हलंत यानी कि कैसे लगाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। क के नीचे हलंत है। ठीक है, मैं कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे लिखती हूँ हाँ। तो हलंत ऐसे लगता है, ये हमारा व्यंजन है, ये हमारा व्यंजन है, और इसके नीचे ये हलंत कर दिया, तो ये इसमें ही क, इसके नीचे क्या है? हलंत लगा दिया। तो ये हलंत लगाने हुआ अ क, उसमें अ मिलाने से हमें पूरा क मिलेगा। क्या मिलेगा? क। देखिए ये हलंत लगाया हुआ क, ये मैंने इसमें अ मिलाया, उसके बाद हमें मिल गया ये
उसके बाद है अजगर, उसके बाद है बतख यानी कि डक, हाँ उसके बाद है कलश। इस प्रकार से ये चार चित्र दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बोल बोल कर पढ़ो। तो आप अभी मेरे साथ बोल कर पढ़ नहीं सकते क्योंकि मैं यहाँ हूँ और आप घर में हैं, लेकिन हम मम्मी के साथ बैठकर, आप सब मम्मी के साथ बैठकर, दीदी के साथ बैठकर, अपने भैया के साथ बैठकर ये शब्द पढ़ सकते हो। वो आसानी से आपको हेल्प करेगी, मदद करेगी, ठीक है। तो ये शब्द जो है हमारे, ये अमात्रिक शब्द है। कौन से शब्द है? अमात्रिक। तो आपके पास ये जो नोटबुक है ना, जो दो लाइन वाली है, उसमें आपको ये सारे शब्द अच्छे से लिखने हैं। ये पेज अच्छे से देखो किस तरह मैंने लिखा हुआ है, वेरी गुड। उसके बाद आप यहाँ ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दो। मैंने पहला शब्द लिखा है रथ, जो कि आपके बुक में पहला शब्द है, ठीक है। तो पहला शब्द है रथ। र प्लस थ इज इक्वल टू रथ। तो ये दो वर्ण वाला शब्द है जो कि र वर्ण और थ वर्ण से बनता है। उसी प्रकार छ जल, बस नहर, चमक रबड़, महक नगर, सड़क कमल, बटन कटहल, सरपट बरगद अदरक, इतने सारे शब्द, कितने शब्द है? 16, यानी कि 16 शब्द आपकी किताब में है। और ये सारे शब्द कैसे है? अमात्रिक शब्द। कौन से शब्द है ये सब? अमात्रिक शब्द है। आज हमने अमात्रिक शब्द की पहचान की है। आपके नोटबुक में आपको ये सारे शब्द इस प्रकार से लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने 13 शब्द आपको लिखकर बताए हैं, ठीक है। और मैंने ये 3 शब्द जो है ये ऐसे ही छोड़ दिए हैं। आप कोशिश करो कि आपको इस तरह से लिखने के लिए आते हैं क्या, कोशिश करो तो आ जाएंगे। यदि नहीं आते तो ठीक है, मैं फिर से आपको ये बताऊंगी, ठीक है। इसमें जो बीच में जो सब सिंबल है ना, ये चिन्ह है ना, सिंबल्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम पेज टर्न करेंगे। सबने टर्न किया, वेरी गुड। तो पेज नंबर हमारा आ गया है 12। तो इस 12 पेज पर एक अच्छे से कहानी दी हुई है। इसमें एक बच्चा है आपकी तरह छोटा सा, हाँ, और उसके सामने उसकी माँ है। वो और वो माँ अपने बच्चे को कुछ बता रही है। क्या बता रही है? उस बच्चे का नाम क्या है मालूम है आपको? नहीं मालूम? ठीक है, मैं बताती हूँ। उस बच्चे का नाम है यश। क्या नाम है उसका? यश। और मम्मी यश को बता रही है, देखो क्या बता रही है, ध्यान से सुनो। यश खट मत कर, पढ़ो मेरे साथ। यश जर हट मत कर, बहस मत कर, नमक उधर रख, बर्तन मत पटक, खटर पटर मत कर, नरम नरम मटर चक, झटपट शलगम रख, नल पर चल कर जब भर। बहुत आसान है। आप बोलोगे कि मैडम इतनी सारी पंक्ति हम कैसे पढ़ेंगे? तो कोई टेंशन नहीं, आपके दाद भैया जो है, दीदी जो है और मम्मी जो है उसकी हेल्प ले लो और आप ये सब पढ़ सकते हो। आप एक बार और गौर से देखो कि जो ये यश मत कर ये जो पंक्तियाँ है ना, उसमें एक भी मात्रा नहीं है। तो ये सब क्या है? अमात्रिक शब्द। क्या है?
यश रक मत हट कर ये सारे शब्द कैसे है अमात्रिक शब्द। ठीक है, तो ये लेसन कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा है। हाँ, उसके बाद बारी आती है अभ्यास की। तो अभ्यास तो आप करते हैं, मेरे सब बच्चे होशियार है ना। तो ये क्या करना है, बहुत आसान है, आपके पास पेंसिल होगी है ना, तो ये बोल कर लिखो। सिर्फ टेस्टिंग करना है जो आपने पहले कक्षा में की थी। हाँ, वो तो आप यहाँ पे ट्रेस करेंगे। आपको क्या ट्रेस करना है देखो, नमन अ शरबत च, नमन अ शरबत च। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न है चित्र को उसके नाम से मिलाओ। तो यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं और उसके नाम इस सर्कल में लिखे हुए हैं, गोले में लिखे हुए हैं, तो इनको आपको ऐसे पेंसिल से मिलाना है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर आता है 13 यानी कि 13। उसमें क्वेश्चन नंबर है तीसरा, सवाल तीसरा, चित्रों के नाम लिखो। तो ये चित्र बहुत ही आसान है जो आपको मालूम है ना। तो पहला चित्र है कमल का, कौन सा चित्र है कमल का। उसके बाद है बटन जो आप ड्रेस पर लगाते हो, यूनिफॉर्म पे लगाते हो, देखो मैंने भी लगाया इधर। हाँ, कटहल, कटहल यानी कि जैक फ्रूट जिसको हम मराठी में फणस बोलते हैं, और आपने अभी अभी फणस यानी कि कटहल खाए होंगे है ना। हाँ, उसके बाद ये है मगर, उसके बाद ये है बस, अपनी स्कूल बस कैसी होती है उसी प्रकार ये बस है, और ये है अदरक, अदरक हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद सवाल है चौथा जिसमें लिखा है दिए गए वर्णों से शब्द बनाओ। तो यहाँ पे कुछ वर्ण दिए हुए हैं और उससे आपको शब्द बनाने हैं और पेंसिल से आपको वो लिखने हैं। उसके बाद पेज नंबर 14 यानी कि 14 पेज पे आपको दिखाई देगा गाओ झम झम बरस। तो अभी अभी बारिश बाहर गिर रही है, बहुत सारी बारिश आ रही है, और ये गाना ये है मधुर अथैया जी का। किसका गाना है? मधुर अथैया जी का। और उसने जो ये गाना दिया हुआ है वो आपको आपके मम्मी के साथ बोलना है। ठीक है, तो ये जो कविता है, छोटा सा गाना है, वो आपके मम्मी के साथ आपको अच्छे से बोलना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हमारी पढ़ाई हो गई। अब बारी आती है हमारे वर्कशीट की, जो बहुत ही आसान है क्योंकि मेरे बच्चे बहुत होशियार है। हाँ, मुझे मालूम है ना, तो मम्मी ने आपके लिए इतनी सारी वर्कशीट लाई होगी, ढेर सारी, लेकिन हमें ना सिर्फ एक ही वर्कशीट छुड़ानी है हिंदी की। ठीक है, तो मेरे पास ये वर्कशीट है, ध्यान से देखिए, इस वर्कशीट में सब लिखा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर हमारे स्कूल का नाम है। हमारे स्कूल का नाम क्या है बताओ बताओ? हाँ, वेरी गुड, हमारे स्कूल का नाम है रोटरी इंग्लिश मीडियम स्कूल खेल। उसके बाद हमारी ये वर्कशीट है पहली, आपकी क्लास कौन सी है? दूसरी कक्षा। ठीक है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। और हम वर्कशीट कौन सी छुड़ाने वाले हैं? ओ मातृ शब्द की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको वर्कशीट पर अपना पूरा नाम लिखना है। तो पूरा नाम लिखेंगे कैसे? तो पहले आपका खुद का नाम, उसके बाद आपके पिताजी का नाम, और उसके बाद आपका उपनाम। उपनाम का मतलब है आपका सरनेम। तो ये पूरा नाम आपको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। कैसे लिखना है? इन गुड हैंडराइटिंग। वेरी गुड, तो यहाँ पे मार्क्स भी दिए हुआ है 10 मार्क्स। तो किन बच्चों को 10 मार्क्स चाहिए? 10 में से 10 सभी को चाहिए। वेरी गुड, तो आप अच्छे से वर्कशीट छुड़ाओ।
10 मार्क्स दूंगी और आपको मिलेगा बड़ा स्टार। क्या मिलेगा? बड़ा स्टार। तो मेरे बच्चे बहुत होशियार है, जैसे जुड़ाएंगे मुझे मालूम है। ठीक है, तो ये वर्कशीट हमारी है, तो इसका घटक नाम है अमात्रिक शब्द। तो पहला सवाल हमारा है अमात्रिक शब्द बनाओ। तो पहले मैंने दो वर्ण के शब्द दिए हैं जिसमें दो वर्ण ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चार शब्द बनाने हैं जो दो वर्ण के हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है तीन वर्ण वाले अमात्रिक शब्द बनाओ। अब यहाँ पे तीन वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? एक, दो, तीन वर्ण हैं। वेरी गुड। उसके बाद चार वर्ण वाले अमात्रिक शब्द बनाओ। और इसमें चार वर्ण हैं। चलो मेरे साथ गिनती करो, एक, दो, तीन, चार। वेरी गुड। तो आपको ये दो वर्ण वाले शब्द, तीन वर्ण वाले शब्द और चार वर्ण वाले शब्द बनाने हैं। लेकिन ये सारे शब्द कैसे है? अमात्रिक शब्द। कैसे शब्द है? अमात्रिक शब्द। तो बच्चों आज की तारीख है 18 जून 2020। तो इस तारीख को हमने अमात्रिक शब्द की पहचान की है, उसके बाद हमने उसकी वर्कशीट छुड़ाई है और हमारे पाठ्य पुस्तक में जिसका नाम है ओली हिंदी पाठमाला भाग ए वन, तो उसमें से हमने ये अभ्यास किया है। तो यही और उसके बाद हमने ये वर्कशीट भी छुड़ाई है। ठीक है, तो यही पे हमारी आज की खत्म होती है। आज के लिए